सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी का घर है। अच्छा। हम आज इस घर की घर को आपको दिखाएंगे। 100 साल पुराना मुद्गर आज देख लीजिए जी, आज अपनी आंखों से देखिए। सोनू भाई देखता है मैं एक मुद्गर कर पाऊंगा कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के हरियाणा राज्य में एक गांव जिसका नाम है जाटी कला। बहुत कम लोग दुनिया में हो सकता है इसको जानते हो, लेकिन इस धरती ने एक ऐसा आश्चर्यजनक एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार जिसके मुकाबले का शायद कलाकार आपको इतिहास में ढूंढना मुश्किल हो जाए, उसका जन्म यहाँ पर हुआ था। राजकीय उच्च विद्यालय जाटी कला सोनीपत हरियाणा लक्ष्मीचंद जी के गाँव में ये स्कूल। यहाँ पर लक्ष्मीचंद जी के जीवन पर एक फिल्म बन रही है, एक हरियाणवी फिल्म, उसकी शूटिंग इन दिनों आजकल यहाँ पर चल रही है। फिलहाल जिस समय हम यहाँ पर आए हैं वो शूटिंग अभी यहाँ पर नहीं हो रही है। छोटे शूटिंग कहाँ होती है यहाँ पर फिल्म? बड़े ग्राउंड में। बड़े में? हाँ। फिल्म शाम को? हाँ। कितने बजे बेटा? 7:30 बजे के बाद शुरू हो जाती है। उस समय तो जन भाई हरियाणा पंजाब एक था। उस टाइम तो भाई ये पंजाब था। तो यहाँ लक्ष्मीचंद जी ने जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं जो हरियाणा से पंजाब से गए हुए हैं वे भी जानते होंगे उनको? बिल्कुल जानते। देखिए हरियाणा यूपी पंजाब राजस्थान इन चारों पांचों स्टेटों में दादा लक्ष्मीचंद को बच्चा बच्चा जानता है। भाई कहाँ गए हैं हम? हम ये जाटी गांव में सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी का घर है। अच्छा। हम आज इस घर की घर को आपको दिखाएंगे। ये बहुत उस समय का प्राचीन आपका आज हमें इस घर के दर्शन हुए, ये तो नया लगता है। क्या कुछ पुराना भी देखने को मिलेगा उनके समय का? आज भी एक कमरा उनके समय का है जी। प्लीज आओ। धन्यवाद। देखिए दोस्तों कमाल आपको हम और एक जोड़ी और भी हमें अंदर है। उसी समय के दरवाजे हैं। हाँ उसी समय लाइट फ्यूज हो रहा है। तो यानी कि 1901 का जन्म? 1901 का जन्म दादा का। फिर ये उससे पहले है कि उसने अपने आगे बनवाया? अपने आगे बनवाया। अपने आगे ये जो चौखट है जी, हाँ ये कब की है? ये उसी के आगे की है। ये दादा लक्ष्मीचंद जी के समय की है? हाँ जी। दोस्तों कमाल देख रही है, अद्भुत अंधेरा दरअसल कमरे में है सारा जी। पित्तल है लो नहीं है पीतल के हैं ये सारा पीतल है सारा। बस ये बिना लागे उसे जर सी रहे हैं, गर्दे वर्दे में हो रहे हैं, ये उठते भी नहीं है। कमाल है। 5-7 आदमी ठाम। 5-7 आदमी तो सच में बहुत भारी दिख रहे हैं। ये सारे में पीतल है, ये सारे में ये की लोहे की है, पीछे ये भी पीतल की है, ये लोहे की है। नहीं बेबे पीतल मैंने पीतल सारा पीतल है जी सारा। ये कड़े वड़े सब पीतल है, ये लोग है बस। हाँ। तो दोस्तों ये जो उसी घर के कमरे में रखे हुए दरवाजे हैं दादा लक्ष्मीचंद के समय के बनाए हुए बनवाए हुए, आज भी ना इनमें दीमक लगी नहीं ना इनका कुछ बिगड़ा, आज भी इतने सॉलिड है। और ये 4-5 आदमी तो इन्हें दरवाजों को उठाने में लगते हैं, इन्होंने बताया इतने ही मजबूत है ये आज भी। तो दोस्तों ये वो अद्भुत निशानी आज आपने देखी हमारे साथ, हरियाणा की आन बान शान पंडित सूर्य कवि लक्ष्मीचंद जी के ऐतिहासिक घर के ऐतिहासिक दरवाजे। क्यों सुनो भाई ठीक है? बिल्कुल सही जी, महान सांगी दादा लक्ष्मीचंद जी की निशानियां आज भी संभाल कर रखी गई है। संभाल कर रखी गई है और आज ही हमें दुर्लभ चीज देखने का मौका मिला और आपको भी दिखाने का मौका मिला। दोस्तों ये है वो प्राचीन कमरा और ये आज हम आपके आज हमारी रिक्वेस्ट पर खुल रहा है आपके लिए। ये लक्ष्मीचंद जी के समय का कमरा है, ये बाद में इस पर सीमेंट तो हो सकता है बाद में हुई हो, पहले से ही है। ये थोड़ा सा रिपेयर भी बाद में थोड़ा बहुत हो सकता है और ये सफ़ेदी भी शायद बाद में भी हुई हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर मेन यूं का यूं है। और दरवाजे और बताइए जी, क्या दरवाजे भी उसी टाइम के हैं? दरवाजे भी कमाल है, देखिए पहले उसी समय के हैं ये। क्या हम अंदर चले जाएँ? चलिए आइए दोस्तों दिखाते हैं। सोनू भाई आइए अंदर, देखिए धीरे धीरे ये आज भी कमरा उनकी यादों के लिए ऐसे ही संजो कर रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया है। ये फर्श कब का है भाई जी? उसी समय का है, उस समय भी ऐसे फर्श डलते थे।
यो फर्श भी उसका का यो फर्श भी यार यो भी यो सब डिजाइन जब बका बना उड़ ये फर्श भी ये सब डिजाइन उससे जान उसका का अरे हम इसे न उखाड़ते भी नहीं इस ननियो ने उखाड़ते इसकी निशानी है उसकी निशानी है इस ननियो ने उखाड़न गांव के बिना उखाड़न देते इस अच्छा ना उखाड़ियो सही कह ये फूल भी उससे के बनवाए उड़ है और यो कमरा भी यो मतलब उसका का जो भी कुछ सा ये उसका भाई है यो रे अच्छा के नाम मिलगा ये उसके भाई है कंगन कंगन दो बाण थे दिखा दो तीन है बाण है तीन ठीक 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 उस टाइम की खिड़कियाँ कमाल कर रखा है अब तक संभाल कर रखा है और ये तो पहले के उस समय की लकड़ियाँ हैं चल गई आज तक आज के टाइम के तो चल नहीं पाए ये मेरे ससुरे की है ये घुमा करता ये रखी ये कितने साल पुरानी होंगी फिर ये उसकी है मेरे ससुरे की देखिए दोस्तों ये जो आप मुदगर देख रहे हैं ये कोई नए मुदगर नहीं है आप हैरान रह जाएंगे ये सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के समय के और उनके भी बड़े भाई बड़े भाई ना बड़े उनके बड़े भाई के समय के मुदगर हैं ये खुद अपनी आंखों से देख लीजिए तो कितने साल 100 साल पुराने होंगे जी ये तो 100 साल पुराना मुदगर आज देख लीजिए जी आज अपनी आंखों से ये क्या सॉलिड लकड़ी तो हल्के हो गए सूख गए अच्छा भारी थे ये किस लकड़ी ये तो उठे भी ना थे उठते भी नहीं थे माँ जी जो इस घर परिवार की महिलाएं भी बता रही है इतने भारी भारी थे देखिए सोनू भाई देखता है मैं एक मुदगर कर पाऊंगा कि नहीं सच में दोस्तों बहुत ज्यादा भारी है बहुत सुंदर और ये तो दोनों हाथों से करने में पड़ा सच में बहुत ही हैवी थे दरअसल दोस्तों दिखने में बेशक ऐसे लग रहे हैं ये बता रहे हैं साल की लकड़ी है अब तो ये लकड़ी यूजली बहुत महंगी है इस लकड़ी का सामान भी परवाने भारी हो गए अब लोगों के लिए मिलती भी नहीं है बहुत महंगी लकड़ी है और बहुत भारी और सॉलिड होती है ये इससे तो किले में जैसे राज किलों में या महलों में उनके दरवाजे जो बनाने के लिए नॉर्मली पहले वो यूज करते थे इतनी भारी मजबूत लकड़ी होती है ये और ये आपने कमरा देखा ये कड़ियां उसी समय की हैं आप देख सकते हैं डिजाइन दरवाजे सब कुछ ये देखिए तोते फूल चिड़िया ये सब उन्होंने अपने शौक से और अपने हाथों से मतलब अपने डायरेक्शन में सब उनके हुआ है यहाँ कभी वे रियाज करते होंगे साधना करते होंगे रहा करते होंगे तो ये एक निशानी बिल्कुल आज भी उनकी सही सलामत यहाँ पर इनके परिवार वालों ने रखी हुई है दादा लक्ष्मीचंद की जय दादा लक्ष्मीचंद की जय दादा लक्ष्मीचंद की जय